इंडिया का मिनी ब्रांच खोलना चाहते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा। और कौन सा बैंक ऑफ इंडिया का जो जोनल हेड ऑफिस ऑल इंडिया बेसिस में 94 टोटल नंबर, तुम चाहो तो इसका गूगल में भी सर्च कर सकते हो। और तुम जब बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट लोगे उस क्या क्या सर्विस मिलेगा, अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट, कैश विथड्रो, आरडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर, देने के लिए पहले क्या करना होगा, तुम्हारा जो नियरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया का जो ब्रांच है वहाँ पर जाना होगा। वहाँ से जाने के बाद बैंक ऑफ मैनेजर से बात करना होगा। बैंक ऑफ मैनेजर से बोलोगे मैं, मेरा गाँव यहाँ पर है, मैं CSP लेना चाहता हूँ, मैं CSP लेके काम कर सकता हूँ, आप दोगे तो RNFI कंपनी से मेरे को CSP देगा, बोल रहा है आपका, आप दोगे तो मैं CSP लेके काम कर सकता हूँ, यही मेरा काम है, यही बोलना होगा। उसके बाद ब्रांच मैनेजर जब तक इम्प्रेस नहीं होगा तुमसे कोई भी कंपनी तुमसे CSP नहीं देगा। पहले तुम ब्रांच मैनेजर से जाओ, ब्रांच मैनेजर से बात करो, उसके बाद क्या करना, ब्रांच मैनेजर जब तक एग्री हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो दिखाता हूँ। उसके बाद बैंक मैनेजर एग्री हो जाए उसके बाद क्या प्रोसेस करना होगा, उसके बाद चाहिए मैं तुमसे इस फॉर्म का फोटोकॉपी और PDF सब कुछ भेज दूँगा, डेमो फॉर्म और सब भेज दूँगा। उसके बाद आधार कार्ड का पैन कार्ड, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड फ़ोटो, उसके थोड़ा नीचे साइन, उसके बाद एडुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद सब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद NFC लाइसेंस जो जो है देख पा रहे हो। उसके बाद और एक चीज़ चाहिए, तुम RNFI से हो तो RNFI का जो रिटेल ID है उसका एक एग्रीमेंट है उसका देना होगा, ठीक है। और जो प्रोसेस है यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, और यहाँ पर पहले जो फॉर्म है वो चाहिए, और दूसरा एक PDF के अंदर सभी अपलोड कर दोगे उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अलग से यहाँ से नहीं होगा, एक PDF के अंदर सब कुछ होगा। मैं तुमसे डेमो भी दिखाता हूँ। ये जो फॉर्म है तुम इजीली फिलअप कर सकते हो, ये फॉर्म तुम यहाँ पर सब कुछ है देख सकते हो, सभी फिलअप करना होगा। उसके बाद जो तुम्हारा जो RNFI ID है उसके साथ ही सब कुछ टाई अप होगा। उसके बाद ये पहले वाला फॉर्म है, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म है वो दिखाता हूँ, सेम तरह का फिलअप करना होगा। तुम देख पा रहे हो स्क्रीन पर, मैं इसका डेमो भी भेज दूँगा, ठीक है, ये भी देख सकते हो सेम तरह का होगा। उसके बाद जो जो सेम तरह का होगा उसका भी डेमो तुमसे दे दूंगा कैसे। इसके बाद पैन कार्ड दे दिया, उसके बाद आधार कार्ड दे दिया, उसके बाद आधार कार्ड का बैक साइड, उसके बाद जो नियरेस्ट टैक्स फाइल दे दिया, उसके बाद कैंसिल चेक, एडुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन डेमो भी देख सकते हो, इस तरह का टाइप करना होगा। और यहाँ पर तुम्हारा जो नियरेस्ट थाना है वहाँ पर एक सील देना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद IIBF का एग्जाम पास होना चाहिए, और बैंक का ट्रांजेक्शन, लास्ट मंथ का बैंक का ट्रांजेक्शन वो चाहिए, ठीक है, वो देना होगा। वो सब देने के बाद मैं उसका फाइल सब कुछ सबमिट कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हारा पास और ब्रांच में एक मेल जाएगा, ब्रांच तुम्हारा जो जोनल ब्रांच है वहाँ से मेल जाएगा, और ब्रांच में लिखा रहेगा CSP पॉइंट, ठीक है। वो उसके बाद उसका लोकेशन सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है, सब कुछ शो होगा यहाँ पर। CSP फॉर्म, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ वो लेके जाना होगा, ठीक है, ब्रांच में। और जब ब्रांच मैनेजर ODI अकाउंट खोलने के लिए पहले तुम्हारा लोकेशन में जाएगा और तुम्हारा ब्रांच में विजिट करेगा, तुम्हारा जो शॉप है वहाँ पर विजिट करेगा। उसके बाद तुम्हारा ODI अकाउंट ओपन होगा, ODI अकाउंट में जितना रुपया लगेगा वो देना होगा, ब्रांच मैनेजर बोलेगा कितना रुपया चाहिए, ठीक है, वो दे देना होगा। उसके बाद ODI अकाउंट खुल जाएगा, खुलने के बाद क्या प्रोसेस है, ODI अकाउंट खुलने के बाद कंपनी को जो चार्जेस पे करना है वो पे करना होगा। उसके बाद मैं तुमसे दिखाता हूँ
ऑल इंडिया बेसिस में बैंक ऑफ इंडिया का जो 94 का ब्रांच है जोनल हेड है वो दिखाता हूँ। देख रहे हो आगरा, इलाहाबाद, अमृतसर, देख पा रहे हो सब कुछ। मैं तुमसे वीडियो ज़्यादा नहीं कर सकता, तुम चाहो तो इसका स्टॉप करके देख सकते हो तुम्हारा लोकेशन में है ना नहीं है, जिस लोकेशन में कितना CSP पॉइंट है वो भी देख पा रहे हो, ठीक है। और कोई जानकारी हो तो तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तुमसे सब कुछ हेल्प करूँगा। पहले तुमसे ब्रांच में जाना होगा, ब्रांच मैनेजर क्या बोल रहा है वो मेरे को बोलना होगा, उसके बाद मैं प्रोसेस कर दूँगा। और ऑडी अकाउंट जब तक ओपन नहीं होगा कंपनी का तरफ से कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में सब कुछ होगा, ठीक है। उसका अंदर कितना ब्रांच है वो भी मैं बोल दूँगा, तुम्हारा लोकेशन में कितना CSP हुआ हुआ नहीं हुआ, ठीक है, कितना फाइल सबमिट हुआ वो भी बोल सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और जो बंदा बैंक ऑफ इंडिया का बा बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP लेना चाहते हो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।